सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम। शख्सियात और कौमें, माल औलाद, जान की कुर्बानी, अपनों से दूरी, वतन से हिजरत की वजह से नहीं मिटती, बल्कि वक्ती मसलहत, मफाद, लालच और खौफ के साए में बातिल और तागूत के आगे सर झुकाने से मिटती हैं। इसी नुक्ते को बयान करते हुए इकबाल ने कहा, तेज बहरे इज्जत दीन अस्त बस, मकसद उ हिफ्ज आई नस्त बस। हुसैन की ताकत और तलवार दीन की इज्जत के लिए थी और हुसैन की जिंदगी का मकसद आईने मुस्तफा की हिफाजत, जिसने जहालत, जुल्म और जबर की तारीकियों से इंसानियत को निकाल कर मीनारे नूर और रश्के मलाइका बना दिया। माँ सिवल्लारा मुसलमा बंदने, पेश फिरौने सरिश अफगंदने। और उस आइन का सरनामा ये है कि जो खुदा के आगे झुकता है वो किसी के आगे नहीं झुकता। खूने उ तफसीर ई असरार कर, मिल्लत खाबी दरा बेदार कर। हुसैन ने यह बात करबला के मैदान में कागज़ पर लिख कर नहीं, कलम से तहरीर करके नहीं, बल्कि सर को नेजे पे चढ़ाकर अपने खून की सुर्खी से दश्ते करबला के सीने और रेगजारों पर सब्त करके बताई कि यही है किस्सा मुख्तसर, यजीद था हुसैन है। और जमाने को बताया कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम।